दोस्तों, अगर आप लोग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो ये आपके लिए एक मतलब इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होगा, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करने को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है कि जिसका भी अगर अकाउंट में बैलेंस कम पाया गया, सबसे पहले देखिए, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, यानी कि अगर गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो होता है उनका यानी कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 10,000 प्लस ही रहता है। यानी कि अगर मैं HDFC की बात करूँ, HDFC बैंक की, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस 10,000 तक आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर उससे कम रहा तो 700 प्लस का माइनस फाइन लग जाता है, यानी कि 700 रुपये का जो सोच लीजिए एक प्रकार से फाइन लग जाता है। वहीं अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या अदर्स कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, मैं छोटे बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही जो है अब जो है बैंकों के साथ मिलकर छोटे मोटे बैंक जिस तरह फिनो पेमेंट बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र जो होता है या ग्रामीण बैंक और मतलब बहुत ही सारे बैंक ऐसे छोटे छोटे बैंक जिनमें उन अकाउंट में बैलेंस मेंटेन को अभी तक उसमें मतलब न्यूज़ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये बड़े बड़े बैंकों के लिए जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत प्रकार के बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंकों में अगर आपका अकाउंट है या खाता है तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी आपके एरिया वाइज। मान लीजिए अगर आप लोग दिल्ली या किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं, या मान लीजिए यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में मिनिमम आपको, या अगर वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको जो है 1,000 से 2,000 का एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी अगर आपका मान लीजिए एक चलती एरिया यानी कि स्टेट शहर एरिया है जिसमें आपको मिनिमम 2,000 से 3,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वो आपको कैसे पता करेंगे कि आपको कितना मेंटेन करना, वो आपका जो बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सभी ब्रांचेस के नियम जो होते हैं वो ब्रांच का कोड के हिसाब से जो है पेमेंट भी रखना पड़ता है। हमारे जो यहाँ सिलीगुड़ी में जो ब्रांच है उसमें मिनिमम जो है, हमारा छोटा ब्रांच है इसीलिए 1,000 रुपया हमें कहा गया था कि आप जो है मेंटेन रखिएगा, 1,000 से यानी कि प्लस ही रखिएगा, 1,002 रुपये या 1,005 रुपये या 1,100 रुपये जितना आपकी इच्छा हो 1,000 से लेकिन ऊपर रखिएगा, ताकि आपका जो बैलेंस मेंटेन रहे वो सही से रहे और मंथ के आखिरी यानी कि 30 तारीख तक में आपके अकाउंट में वो बैलेंस मेंटेन चार्ज पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण बस आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने सारा कैश अकाउंट से जो है कैश में कन्वर्ट कर लिया, अकाउंट से सारा निकाल लिया ATM के थ्रू या किसी भी अदर से CSC सेंटर वगैरह से आपने कैश को निकाल लिया, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो गया, तो ऐसे में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट जो है 30 तारीख के अगर आप लोग पार करते हैं तो उसमें बैलेंस माइनस हो जाएगा, जिसमें ये सभी बैंकों के अलग अलग चार्जेस है, ये जो है कहा नहीं गया है RBI की तरफ से कि कितना चार्ज माइनस किया जाएगा। वैसे ही ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि एक नॉर्मल बैंक में अगर गवर्नमेंट बैंक है तो उसमें मिनिमम आपको 300 प्लस GST का फाइन देना पड़ेगा। ये जो है सभी जितने भी सिस्टम है ये आपका बैलेंस माइनस चार्ज जनवरी 2023 से लागू होने जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।